career guidance and counseling. उत्तराखंड राज्य के जिला देहरादून से मैं दीपक कनौजिया कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम के अंतर्गत आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें व समझें। कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श, किस तरह से आप अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं, कैसे आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए अथवा किस कोर्स को अपने लिए चुने, कौन सा विषय लेकर आगे पढ़ना चाहिए, परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए कैसे आपको तैयारी करनी होगी, जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से विकल्प हैं, इसी को विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा, जिसको ध्यान पूर्वक आपको सुनना है और समझना है। शिक्षा का महत्व। सर्वप्रथम बात तो यह है कि शिक्षित होना अति आवश्यक है। इस शिक्षित होने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान पर ही हमारा जीवन टिका है। ज्ञान जीवन का आधार है। सही क्या है, गलत क्या है, यह हमें ज्ञान से समझ में आता है। क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना, हम नौकरी कैसे प्राप्त करें, हम अपने परिवार का ठीक तरह से कैसे पालन पोषण करें, कैसे हम नाम कमाएं और कैसे इज्जत कमाएं, कैसे हम अपने समाज व देश का हित करें, कैसे हम विकास की ओर बढ़े, ये सब ज्ञान पर टिका है और ज्ञान हमें शिक्षित होने से प्राप्त होता है। इस विषय पर बताने से पहले सर्वप्रथम हम बेसिक स्तर पर जाएंगे, जहां से हम एजुकेशन हासिल करते हैं। क्लास टेन जो तक जो पढ़ाई है वो विद्वानों ने सोच समझ कर बनाई है और जो विषय हमें दिए जाते हैं वे सब विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और वे विषय हमें पढ़ना होते हैं। लेकिन क्लास टेन के बाद पढ़ाई को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, आर्ट साइड, साइंस साइड और कॉमर्स। क्लास ट्वेल्थ के बाद हम जो बच्चा आर्ट साइड से पढ़ रहा है वे बीए करेगा, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। जो साइंस से पढ़ रहा है वो आगे की पढ़ाई बीएससी करेगा, यानी बैचलर ऑफ साइंस। और जो कॉमर्स से पढ़ रहा है इंटर, वह ट्वेल्थ के बाद बीकॉम करेगा, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, स्नातक। स्नातक का मतलब है कि हम बीए या बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं, लेकिन बीए या बीएससी जब शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बीएससी का मतलब हम साइंस से कर रहे हैं। इसके लिए एक शब्द है अंग्रेजी का, ग्रेजुएट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जब वैकेंसी निकलती है मार्केट में, अगर बीएससी मांगा जाता है तो इसका मतलब यह है कि ऐसा बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन बीएससी से किया है, केवल वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि स्नातक लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बीए, बीएससी या बीकॉम किसी भी वर्ग से किया है, वे तीनों ही अप्लाई इसमें कर सकते हैं। यह यहां को हमको इस बात को समझना होगा। ग्रेजुएट करने के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, जिसको जो बच्चा बीए से ग्रेजुएट किया है वो आगे एमए करता है, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। जो बच्चा बीएससी कर रही है वह आगे जाके एमएससी करता है, यानी मास्टर ऑफ साइंस। और जो बच्चा बीकॉम कर रहा है वह आगे जाके करता है पोस्ट ग्रेजुएट एमकॉम, यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स, जिसको हिंदी में प्रस्नातक बोलते हैं और इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं। यानी कहीं एमएससी मांगी गई हो तो उसमें साथ में सब्जेक्ट भी लिखा होगा कि एमएससी इस सब्जेक्ट से, यानी केवल वो अप्लाई कर सकता है।
और अगर पोस्ट ग्रेजुएट लिखा होगा तो इसका मतलब एमए एमएससी एमकॉम तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप कोर्स की बात करेंगे, कुछ कोर्स हाई स्कूल से होते हैं, कुछ इंटर से यानी ट्वेल्थ से, कुछ कोर्स हम ग्रेजुएट से करते हैं और कुछ कोर्स हम पोस्ट ग्रेजुएट से करते हैं। कोर्स भी चार भाग होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स और मास्टर डिग्री कोर्स। कोर्स और जॉब, क्लास टेंथ करने के बाद हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से कोर्स हो सकते हैं और कौन कौन सी नौकरी के लिए हम आवेदन कर सकते हैं, यानी ये हमारे पास क्लियर होगा तो हम समय के रहते हुए कर सकते हैं। क्लास टेंथ के बाद हम आईटीआई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, क्लर्क ग्रेड में जा सकते हैं, कांस्टेबल बन सकते हैं, फौजी एयरफोर्स नेवी आदि में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक सिविल, पॉलिटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर आदि से हम पॉलिटेक्निक करते हैं, जिसको जूनियर इंजीनियर बोला जाता है और जेई का सबका इस्तेमाल भी किया जाता है। क्लास ट्वेल्थ के बाद हम फार्मासिस्ट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, मर्चेंट नेवी एनडीए आदि में हम जा सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स जिसे बीटेक के नाम से भी जाना जाता है, यानी हम सिविल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से आदि से हम बीटेक करते हैं और इस तरह से हम उसमें इंजीनियरिंग डिग्री लेते हैं। और हाई स्कूल से हम जो इंजीनियरिंग लेते हैं उसको जूनियर इंजीनियर बोलते हैं और वो पॉलिटेक्निक के नाम से की जाती है। इस तरह से हर कोर्स का एक नाम होता है, जैसे वकालत करनी है तो उसके लिए एलएलबी शब्द का इस्तेमाल होता है और वो कोर्स होता है। यदि हमें डॉक्टरी करनी है तो एमबीबीएस के नाम से वो डिग्री ली जाती है, इंजीनियरिंग करनी है तो बीटेक के नाम से वो डिग्री ली जाती है। इस तरह से हर कोर्स का एक अपना नाम होता है, उस नाम के बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। ग्रेजुएट करने के बाद हम टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, बीएड का कोर्स कर सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, पीएसएस बन जा सकते हैं, बैंक मैनेजर, सीडीएस में जा सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं और साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें हम जा सकते हैं ग्रेजुएट के बाद। पोस्ट ग्रेजुएट के बाद हम प्रोफेसर लाइन में जा सकते हैं, यूजीसी नेट कर सकते हैं और भी इसके अतिरिक्त बहुत सारी वैकेंसी है। इसके अतिरिक्त अन्य स्वरोजगार कोर्स भी है, जैसे कारपेंट्री, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, मैकेनिक, किसी मशीन को चलाने में दक्षता, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक टीवी, मोबाइल रिपेयरिंग, पंखे, गीजर, कूलर, प्लम्बर वर्क आदि को भी किया जा सकता है। आवेदन अनुभव सफलता, आजकल सभी नौकरी की जानकारी आसानी से आप ऑनलाइन नेट पर देख सकते हैं। आप 10, 12, BA, MA या कोई कोर्स क्या हो उस आधार पर आप देख सकते हैं। आपकी योग्यता के आधार पर जो वैकेंसी निकलती है आप आवेदन करें और परीक्षा दें। प्रतिवर्ष 2, 3, 4 परीक्षा दें, इससे आपकी तैयारी रूटीन में रहेगी और अनुभव भी बढ़ता रहेगा। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। कुछ तो एक ही बार में उत्तीर्ण हो जाते हैं, पर अधिकतर 2-3 बार में और कुछ 8-10 बार में। निरंतर अभ्यास परीक्षा देने से आपकी तैयारी में बढ़ोतरी होती है और अधिक से अधिक प्रश्न याद होते रहते हैं। अनुभव मिलता है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, ज्ञान का भंडार बढ़ता है और एक दिन ऐसा आता है कि आपको सफलता मिलती है। विषय का महत्व एवं आपकी रुचि, हर विषय का महत्व है, जिसमें आपकी रुचि हो उस विषय को लेकर आगे कैरियर बनाना चाहिए। रुचि का मतलब है कि आपको उस विषय से प्यार होगा और विषय को पढ़ना आपको अच्छा लगेगा और बोरियत नहीं आएगी। उस विषय पर आप दिन रात मेहनत करेंगे, उस विषय में अंक भी अच्छे आएंगे। अर्थात यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपकी मैथ साइंस बहुत अच्छी होगी, आपको मैथ साइंस पढ़ना अच्छा लगेगा। इसी तरह यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी बायोलॉजी में रुचि होगी। यदि आप संगीतकार बनना चाहते हैं तो संगीत में रुचि होगी। यदि आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो खेल में रुचि होगी।
भविष्य में क्या बनना है यह क्लियर होना अनिवार्य है। आपको भविष्य में क्या बनना है यह क्लियर होना अनिवार्य है। क्लास नाइन्थ के आते आते आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बनना पसंद करेंगे। यदि किसी ने क्लास नाइन में मैथ के स्थान पर गृह विज्ञान ले लिया है अर्थात मैथ छोड़ दी है तो यह क्लियर है कि वह भविष्य में इंजीनियर नहीं बन सकता या मैथ विषय के से प्राप्त होने वाली जॉब पर नहीं जा सकता। जो मैथ विषय से क्लास ट्वेल्थ कर रहे हैं वे डॉक्टर नहीं बन सकते। इसी तरह से हर विषय की अपनी अपनी लाइन है, इसलिए यह अति अनिवार्य है कि आप भविष्य के प्रति क्लियर हों, तभी आप अपने लिए उचित विषय का चुनाव कर सकते हैं। जिस विषय में आप कमजोर हो उस विषय का चुनाव ना करें। अपनी रुचि अनुसार विषय का चुनाव। ऐसा भी होता है कि किसी का हिंदी विषय बहुत अच्छा है पर वह अंग्रेजी से एमए कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी का भविष्य ज्यादा अच्छा है पर अंग्रेजी बोलने में वह कमजोर है और उसे अंग्रेजी विषय में रुचि भी नहीं है। ऐसे में उसे सफलता नहीं मिलेगी। इससे अच्छा यह होता कि वह हिंदी विषय से पढ़ता। हर विषय का महत्व है पर जरूरी है कि उस विषय में आपकी कमांड हो और वह विषय अच्छी तरह से आपको आता हो। जिस विषय में हमारी रुचि हो उस विषय पर अध्ययन कर आगे बढ़ना चाहिए और विषय से अपना करियर बनाना चाहिए। ऐसा करने से हम सफलता की ओर बढ़ते हैं पर यदि रुचि के विपरीत हम किसी विषय को चुन कर आगे बढ़ते हैं तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसके प्रति रुचि ना होने के कारण हम मन लगाकर कार्य व मेहनत नहीं कर पाते। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है और इंजीनियर बनना उसकी रुचि है लेकिन मैथ विषय से कमजोर है। इसका मतलब उसकी रुचि नहीं है, वो नाम पैसा ये देख रहा है और इसलिए वो चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं। यदि मैं वाकई इंटरेस्ट रखता इंजीनियर बनने में तो उसकी मैथ साइंस भी अच्छी होती। कलात्मक कोर्स। कई कोर्स ऐसे हैं जिनको बचपन से लेकर चल सकते हैं स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ जिनमें आपकी रुचि हो, जैसे डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग, कोई भी खेल जैसे क्रिकेट आदि, मार्शल आर्ट जैसे कराटे, जूडो। जिन कलाओं में बेहतर प्रदर्शन आप कर रहे हैं, आपकी रुचि व सपना बन गया हो तो आप इसे करियर के रूप में अपना सकते हैं। सफलता लंबे समय से निरंतर परिश्रम। एक उदाहरण द्वारा इसको समझाया जाता है कि क्लास 12 उत्तीर्ण हुए कुछ बच्चे इस प्रकार से हैं। क्लास में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जो निरंतर क्लास 1 से क्लास 12 तक अच्छी मेहनत कर मन लगाकर पढ़ते हुए टॉप पर रहे। कुछ बच्चे मध्यम स्तर पर मेहनत करते हुए उत्तीर्ण हुए। कुछ बच्चे पढ़ते नहीं थे, बस किसी तरह से बहुत ही कम अंकों से प्राप्त होते हुए क्लास 1 से 12 तक पहुंचे। अब सवाल यह उठता है कि जब 12th उन्होंने करी उसके बाद वैकेंसी निकली और 6 महीने बाद पेपर हुआ, इन तीनों ने उसमें अप्लाई करा। अब बात यह होती है कि 1,00,000 बच्चों ने अप्लाई करा और 100 वैकेंसी बनती थी, ऐसे में उस परीक्षा में सफल कौन होगा? जो क्लास 1st से लेकर 12th तक टॉप पर रहे और जो बच्चे मध्यम स्तर पर पढ़ रहे थे और जो बच्चे बस किसी तरह से पास हो रहे थे। इसी को एक उदाहरण द्वारा और समझाया जाता है क्योंकि जो बच्चे क्लास 1st से लेकर 12th तक मेहनत करके पढ़ रहे थे और 6 महीने बाद पेपर था, उनको 12 साल 6 महीने का समय मिला पढ़ने के लिए और जिन्होंने 12th के बाद पढ़ना शुरू करा केवल वो 6 महीने ही उन्होंने स्टडी करी थी। यानी कहने का मतलब है 12th करने के बाद एक वैकेंसी आई, तीनों ने बहुत ही मेहनत करी 6 महीने तक, तीनों कैटेगरी ने बहुत अच्छी मेहनत करी, दिन रात एक किया लेकिन वैकेंसी 100 थी और 1,00,000 लोगों ने अप्लाई करा। ऐसे में जो बच्चे क्लास 1st से लेकर 12th तक मेहनत करते हुए आ रहे थे और टॉप पर रहे तो उनको क्लास 1st से लेकर 12th तक 12 साल का की जो किताबें थी वो याद थी और 6 महीने बाद जिन्होंने परीक्षा दी उसमें वो सफल रहे। लेकिन जो बच्चे 1st से 12th तक
पढ़ते आ रहे थे लेकिन मध्यम स्तर के रहे, और जब वैकेंसी निकली तो उन्होंने केवल 6 महीने पढ़ाई करी। तो जो 6 महीने की पढ़ाई थी वो इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती जो 12 साल की पढ़ाई थी। अर्थात जो हमारी स्कूल शिक्षा होती है उस पर हमको ध्यान देना है शुरू से ही। यदि हम शुरू से ध्यान देते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं, और 12th हमने करी, यानी 12 साल की पढ़ाई एक बहुत मायने रखती है अपने आप में किसी जगह पे सफल होने के लिए। क्योंकि 12th करने के बाद जब हमने कोई एग्ज़ाम दिया, मात्र 6 महीने हमको मिले, तो 6 महीने में हम क्या कर सकते हैं, उस विषय संबंधित हम एक किताब लाए, उसको पढ़ा। लेकिन जो 12 साल की जो हमारी अध्ययन था वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सफलता लंबे समय से निरंतर परीक्षा। एक उदाहरण और दिया जाता है इसी बात पे। क्लास 12th के बाद नौकरी की परीक्षा का फॉर्म भरा और एक जिसकी परीक्षा 6 माह हुई। कुछ बच्चे भविष्य को ध्यान में रखते हुए नौकरी की परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं, चाहे नौकरी का फॉर्म जब भी आए। कुछ बच्चे नौकरी निकलने पर तैयारी में लगते हैं, कुछ बच्चे नौकरी का फॉर्म भर देते हैं और जब परीक्षा की डेट क्लियर हो जाती है तब तैयारी करते हैं। ऐसे में उपरोक्त में से कौन सफल होगा? जब इसका मतलब यह है कि हमें अपना उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हमको यह बनना है। हमको वैकेंसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी पढ़ाई होने के बाद, कोर्स करने के बाद उस वैकेंसी में जाना चाहते हैं तो हमें उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। ऐसा करने से मान लो कि वो वैकेंसी 3 साल बाद निकली और 3 साल तक हम मेहनत करते रहे और जब वैकेंसी आई, कुछ बच्चों ने तब पढ़ाई शुरू करी और कुछ बच्चे तब पढ़ाई करना शुरू करी जब बिल्कुल एग्जाम क्लियर हो, डेट आ गई। तो कुछ बच्चे जो 3 साल से पढ़ रहे थे और 6 महीने बाद पेपर हुआ, यानी वो 3.5 साल की उनकी मेहनत रंग लाती है। और जो बच्चे 6 महीने से पढ़ रहे थे उनको लगा हम मेहनत तो कर रहे थे 6 महीने से लेकिन हम सफल नहीं हुए, लेकिन उनके साथ के बच्चे 3.5 साल पहले से मेहनत कर रहे थे। ऐसे आदमी फोर्स में जाता है तो कुछ बच्चे अपने पढ़ाई वो जो उनका दौड़ भाग होती है, जैसे फोर्स में जाते हैं, पुलिस में भर्ती में होती है, वो लग जाते हैं कि हमको लग जाना है, 3-4 साल तक वो अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं फिजिकल। तो कुछ बच्चे जब वैकेंसी आ जाती है तब प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे में जो बच्चे पहले से प्रैक्टिस करते रहते हैं उनकी प्रैक्टिस 4 साल की हो जाती है और वह जब कंपटीशन आता है तो उसमें वो विजय हासिल कर लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है जो सफलता है वो हमारे एक लंबे समय का प्रयास होता है, लंबे समय का संघर्ष होता है। ये नहीं कि हमने आज मेहनत करी और उसका रिजल्ट हमें आज मिल जाएगा। किसी चीज़ में सफलता के लिए हमको निरंतर अभ्यास करना होता है और एक लंबे समय के तक हमें अभ्यास करना होता है, तब हमें जाकर उस पर सफलता मिलती है। विशेष जानकारी। इसी संबंध में कुछ बात हम बताना चाहते हैं कुछ उदाहरण द्वारा। 2 बच्चे थे, एक पढ़ने में बहुत होशियार, वह जल्दी से उसे याद हो जाता था। दूसरा बच्चा पढ़ने में कमजोर था और उसे जल्दी से याद नहीं होता था। 25 साल बाद जो पढ़ने में कमजोर था वह बना ऑफिसर और जो बच्चा पढ़ने में होशियार था वह बना मजदूर। ऐसा क्यों? बात यह, जो बच्चा पढ़ने में होशियार था वो किताब उठा के कम देखता था, समय को बर्बाद करता था, टाइम को कभी टीवी देखने में, कभी मोबाइल देखने में, कभी गप्पे मारने में। लेकिन जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर था वो निरंतर अभ्यास करता था, डेली किताब लेके पढ़ता था और उसका लक्ष्य था कि मुझे कुछ बनना है। यानी वो लगातार अपने क्रम में रहा, लगातार मेहनत करता रहा और जो पढ़ने में तेज था उसने किताब उठा के कम देखता था, जिसका परिणाम यह निकला कि जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर भी था वो सफल हुआ। एक उदाहरण और है, एक बच्चा संगीत में कमजोर था, दूसरा बहुत तेज। 20 साल बाद जो संगीत में कमजोर था वह बना प्रसिद्ध संगीतकार, दूसरा बच्चा जो संगीत में तेज था वह नहीं बन सका। आखिर क्यों? जो बच्चा संगीत में कमजोर था क्योंकि उसकी रुचि थी, उसने निरंतर अभ्यास किया और संगीत से को विषय के रूप में लिया, कोर्स करा और आगे निरंतर अभ्यास करता रहा। दूसरा बच्चा जिसकी संगीत में बहुत अच्छा था
उसने कोई अन्य विषय ले लिया, मान लो मैथ साइंस, वो मैथ साइंस से पढ़ने लगा, उनने संगीत से कोई डिग्री नहीं ली, ना उनने संगीत को कोई विषय के रूप में लिया, जिसके कारण वो संगीत में अच्छी रुचि होने के बाद भी वे पीछे रह गया। कहने का मतलब यह है कि हर किसी में कोई ना कोई एक योग्यता होती है। आप यदि आप अपने मोहल्ले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर देखें, 10 बच्चे कि कोई भी काम को देखें तो उसमें से एक बच्चे को बहुत अच्छा आता है अन्य बच्चों से, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, तो उसमें से 10 बच्चों में से एक बहुत अच्छा कर देता है, जिसको हम आमतौर की भाषा में बोलते हैं कि सिर्फ तो गॉड गिफ्ट है। लेकिन वो गॉड गिफ्ट तब काम आएगा जब वो उसे विषय के रूप में चुनेगा, उस पर अभ्यास करेगा, उस पर कोर्स करेगा, उस पर पढ़ाई करेगा। लेकिन अगर वो उसको कैरियर के रूप में नहीं अपनाएगा तो वो विषय उसका वहीं रह जाएगा, और जो उसको कैरियर के रूप में अपनाएगा, जो उस पर कोर्स करेगा, जो आगे पढ़ाई करेगा, निरंतर अभ्यास करेगा, वो इस पर बढ़ेगा। तो गॉड फिट का मतलब है कि वो अगर उसे नेशनल लेवल पे आगे बढ़ना है या कहीं सफलता हासिल करनी है तो उसको परीक्षण अनिवार्य है, उसके लिए निरंतर अभ्यास अनिवार्य है, तभी हमें उसमें सफलता मिलेगी। और इस पे देते हम, मान लो मुझे जर्मनी भाषा नहीं आती, मुझे मलयालम भाषा नहीं आती, या मुझे ट्रेन चलाना नहीं आता, मुझे कार चलाना नहीं आता, क्या आपको आता है? बात यह क्यों नहीं आती जर्मनी भाषा, क्योंकि मैंने सीखी नहीं। अगर मैं सीखता तो मुझे आती। मुझे कार चलाना नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि मैंने सीखी नहीं। अगर मैं सीखता तो मुझे आती। मुझे तैरना नहीं आता, या आपको नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने सीखा नहीं। अर्थात जो काम हम सीखते हैं वो हमें आ जाता है, और जो काम हम नहीं सीखते वो हमें नहीं आता है। तो आगे से ये मत बोलना कि हमें नहीं आता, इसका मतलब हमने वो काम किया नहीं। अगर हम करेंगे तो हमें आ जाएगा। एक उदाहरण और आपको बताते हैं इस संदर्भ में। कक्षा 10 में गणित के अध्यापक ने गणित का प्रश्न बताया, तो मैंने बच्चों से पूछा कि ये बताओ, ये ब्लैक बोर्ड पे सवाल हो रखा है क्लास 10th के बच्चों से कि ये कितनी देर में आपको समझ में आ गया। तो ये बच्चा उठा, उन्होंने कहा सर मुझे 10 मिनट लगे समझने में। दूसरा बच्चा, उन्होंने कहा 5 मिनट। तीसरे बच्चे ने बोला 7 मिनट। यानी वो जो सवाल था क्लास 10th का, उनको समझने में 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। तब मैंने उनको बताया कि 10 मिनट नहीं लगे, 10 साल लगे। जब हम क्लास फर्स्ट में थे, क्या तुम उस टाइम ये सवाल कर देते 10th क्लास का? नहीं, क्लास फर्स्ट पे हमने 1, 2, 3, 4 पढ़ना सीखा, फिर 1, 2 को जोड़ना सीखा कि 2 + 3 = 5 होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह से छोटे छोटे सवाल सीखे, फिर तो और बढ़े, फिर और बढ़े, फिर और। जब हम क्लास 10th पहुंचे, जब गुरुजी ने वो सवाल बताया, तब हमको समझ में आया। यानी हमको 10 साल लगे उस सवाल को समझने में। अर्थात जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें हमें समय लगता है। ये नहीं कि हम एक ही मिनट में काम आ जाएगा, ये एक ही दिन में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि कोर्स भी बने हैं, जैसे हम बीटेक करते हैं 4 साल का कोर्स होता है, इस तरह से एक साल भर का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, एक टाइमिंग होता है। यानी हम कोई भी काम सीख सकते हैं लेकिन उसमें एक समय लगता है। जितनी ज़्यादा हम उसमें हम मेहनत करते हैं उतना हम उसमें परफेक्ट होते जाते हैं। अगर मेरी किस्मत में नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि ये तो बात मेरी किस्मत में नहीं, अभी आपको इतनी सारी बात बताई, अब किस्मत की बात तो ऐसा है कि मैं कुछ भी सोच सकता हूं कि मैं डीएम नहीं बन पाया, मैं ये नहीं बन पाया, कुछ भी सोच सकता हूं कि मैं ये की नहीं बन पाया। असल में उस सब्जेक्ट के ऊपर हमको मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है, कॉम्पिटिशन होता है, जहां पर उस कॉम्पिटिशन में मैं आगे बढ़ना होता है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं मैं मेहनत तो करता हूं पर सफलता नहीं मिलती। बात यह है कि कोई वैकेंसी निकली, 100 बच्चे वहां पर वैकेंसी है, 1 लाख बच्चों ने अप्लाई करा,
तो 1,00,000 बच्चे उस पर मेहनत कर रहे थे, यानी मुझको अगर वो सफलता नहीं मिली, क्या मैं सबसे ऊपर टॉप पे था? क्या उस 1,00,000 बच्चों में मैं सबसे ऊपर था? यानी जो मेरी मेहनत थी वो डिपेंड करती है कि कितनी थी। बात ये है कि केवल मैं मेहनत नहीं कर रहा, मेरे साथ और भी लोग, कई सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। यानी केवल मैदान में मैं नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं, और जो उसमें ऊपर मेहनत करता है, संघर्ष करता है, और तब हमें जाके वो सफलता मिलती है, क्योंकि हमारे साथ और भी कई लोग हैं जो उस पर मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनत भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि कई लोग सोच लेते हैं हमें फ्यूचर में ये बनना है, वो एक लंबे समय से मेहनत प्रयास करते हैं, 3-4 साल, कुछ लोग वैकेंसी आने पर प्रयास करते हैं, तो कुछ लोग क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक एक अच्छा प्रयास करते हैं स्कूल शिक्षा पर। उसके बाद जब वो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, तो 12+1=13 साल मेहनत होगी उनकी 12th करने के बाद। तो ये हमारा एक जो लंबा प्रयास होता है, ये बड़ा सफलता की ओर हमारा होता है। आगे मैं अब 10 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता। एक से बात हुई, उन्होंने कहा मैं नहीं दौड़ सकता। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सराय रूप से किसी प्रॉब्लम का शिकार है कि वो दौड़ नहीं पा रहे, लेकिन कुछ यहाँ पर दौड़ने का एक उदाहरण दिया जा रहा है। काम कुछ भी हो सकता है, काम तो कुछ भी हो सकता है कि मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकता, काम किए जाते हैं सारे। तो उसी पे एक उदाहरण है दौड़ने का। तो एक बच्चे ने मुझे बोला कि मैं अब नहीं दौड़ सकता, क्यों? मैं 10 मिनट तो बहुत होता है सर। तो मैंने उससे बोला, क्या आप यहां से 2 कदम दौड़ सकते हो? कि उन्होंने कहा हाँ, 2 कदम में दौड़ने में क्या है, लेकिन आप तो बोले कि 10 किलोमीटर। मैंने कहा आप 2 किलोमीटर 2 कदम केवल दौड़ के दिखाओ मुझे। तो उस बच्चे ने 2 कदम दौड़ा कि सर मैंने दौड़ लिया। तो मैंने कहा बस आपने 10 किलोमीटर दौड़ लिया। कि सर कैसे, मैं तो केवल 2 कदम दौड़ा, 10 किलोमीटर कैसे आ गए? मैंने आज आप 2 कदम दौड़ेंगे, कल आप 4 कदम दौड़ो, परसों 6 कदम दौड़ो, फिर ऐसे 100 मीटर दौड़ेंगे, अगले दिन 1 महीने बाद आप 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, 2 महीने बाद आप 2 किलोमीटर दौड़ेंगे, 1 साल बाद आप 10 किलोमीटर दौड़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे और एक समय वो आएगा कि हम उस काम को कर देंगे। हम कहना चाह रहे हैं कि आज ही हो जाए, अभी हो जाए, इसी वक्त हो जाए, ऐसा नहीं। हमको एक समय देना पड़ता है, उस काम को सीखना पड़ता है। यानी जब हम काम सीखते हैं तो हमें वो आ जाता है। ऐसी एक बार की बात है कि कोई तो एक घटना और है ऐसी कि मेरे साथ के कोई मित्र हैं, उनकी शादी हो रखी थी। अब जो उनकी वाइफ थी, हाउस वाइफ, उनके 4 बच्चे भी हैं, पढ़ाई छोड़े में 15 साल हो चुके हैं उनको, वो बीए करना चाहते हैं। तो उन्हें एक बात हुई कि मेरे साथ बीए करना है, लेकिन अब वो 15 साल हो चुके हैं तो पढ़ाई भूल चुके हैं सारे, अब पढ़ाई नहीं हो सकती, घर है, परिवार है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, सारा रिश्तेदारी देखनी है, और 15 साल का गैप आ चुका है। अब ये बोलते हैं कि अब बीए करो, आप, मैं भी चाहती हूँ बीए करूँ, लेकिन कैसे करूँ, असंभव है। मैंने कहा नहीं, आप कर सकते हैं। कैसे? आप 15 साल की बीच में जो ब्रेक आया है, बहुत बड़ा ब्रेक आ गया है, घर की जिम्मेदारी भी है, यानी समय भी हमारे पक्का में, अर्थात आप इस बार बीए का फॉर्म भरें और पूरे साल भर पढ़ाई करें, क्या आपके 5 नंबर आ सकते हैं 100 में से? उन्होंने कहा हाँ, 5 नंबर तो आ सकते हैं, लेकिन ऐसे कैसे पास हो जाओगे? मैंने बस आप पास हो गए कि 5 नंबर आने से कैसे पास हो सकते हैं? आप तो कह रहे पास हो सकते हैं, अब आप कह रहे 5 नंबर, तो 5 नंबर तो मैं ला सकते हैं। तो मैंने कहा 5 नंबर आ सकते हैं ना, ये लेके आना है आपको, आप पूरे साल मेहनत करो, क्योंकि 15 साल का ब्रेक हो गया है, आप पढ़ाई भूल चुके हो, घर की जिम्मेदारी है, तो पूरे साल आप पढ़ाई करो, 5 नंबर लेके आओ, ये आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। अगले साल फिर बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरना हो, यानी 2 साल आ जाएंगे, अगली बार आप 20-25 नंबर लेके बड़े प्यार से लेके आ जाओगे, तीसरी बार फिर बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरना, आप बीए में पास हो जाओगे, उसके बाद अगले साल बीए सेकंड ईयर करना, और उसके अगली बार बीए थर्ड ईयर, तब 1-1 साल में हो जाएगा। यानी जो गैप आया है,
अब उस गैप को पूरा करने के लिए एक दिन में हम नहीं कर सकते क्लियर। जब 15 साल का गैप आ गया तो हमें थोड़ा समय लगेगा उस पर आने के लिए, लेकिन हो सकता है। और उन्होंने ऐसा ही किया और बे कंप्लीट किया, अर्थात हम कोई भी काम सीख सकते हैं, सीखने की लगन होनी चाहिए। ये नहीं कि हम आज ही ये काम हो जाए, हम प्रयास करेंगे हमें उसमें सफलता मिलेगी। इस तरह से ये वीडियो आप देख रहे हैं, और ये जो हमारा कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसमें एक मार्गदर्शन मिला होगा और आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं दीपक अनुजा, धन्यवाद।